मेरा गणेशा, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। और ये है मेरा गणेशा, हम दो गणेश रखते हैं, छोटा और एक बड़ा। तो मैंने इसके लिए क्या क्या किया है देखिए। पहले हमें तिलक लगाकर ये सब पहनाकर देखिए कितना अच्छा से हमने पूजा कर लिया है। और लड्डू रखा है, मोदक रखा है, देखिए दो तरह का मोदक है। और ये मोदक, ये लड्डू हमने घर में बनाया है घी के दिए। और नारियल, केला, पांच तरह के फल, कुछ पैसे, अक्षिंताल। ये पैसे मैं कभी खर्च नहीं करती हूँ, ये पैसे मैं सिर्फ भगवान को रखती हूँ और वापस रख देती हूँ। भुट्टा और एक लिए कचकेलू, हम कचकेलू बोलते हैं। अपने अंगूठी को भी मैंने आज यहाँ रख दिया। और ड्राई फ्रूट्स, मेरे बुक्स, ठीक है। और पीछे हमने यहाँ पे एक कलश बैठाया, देख ली कलश का। ये जो है ये बुक हमेशा आपकी तरफ रहना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। दीपक साक्षी के लिए, और ये सारे दीपक आज जलेंगे। ये देवी माँ को भी मैंने सब कुछ, काजल वगैरह, बैंगल्स और सब कुछ पहनाया है, ठीक है। 16 सिंगार के लिए जो जो चाहिए, काजल और सिंगार, माला, कंगन, बैंगल्स, बिंदी, सारे चीज़ें मैंने रखे हैं यहाँ पे। ये हो गया मेरा गणपति का इंट्रोडक्शन आज। और ये है मेरा पूजा डेकोरेशन, देख लीजिए। ये है बालाजी, आज हमने इस तरह से सजाया है। यहाँ है कृष्णा, शिवा, और ये है साई बाबा। अंदर है सत्यनारायण, छोटे से साए है इस साइड, और इस साइड भी रखा है। देवी है यहाँ, और ये है बालाजी। फिर यहाँ आता है लक्ष्मी देवी, शिवा और नंदी, सत्यनारायण, और ये है छोटा सा नंद गोपाल। और ये है लक्ष्मी गणेश, सरस्वती की फ़ोटो है, दुर्गा है, और देवी माँ है। यहाँ माँ काली, मेरी फेवरेट, और हमारे घर की देवी कामा जिसे हम कहते हैं, यह सरस्वती है, ये लोकनाथ बाबा है, अन्नपूर्णा देवी, राम, लक्ष्मण, सीता, गणेश और ये हनुमान। तो ये हो गया। और इस साइड आ जाइए, इस साइड मेरा कृष्णा, राधा कृष्णा। तो देख लीजिए ओवरऑल कैसे लग रहा है आज मेरा डेकोरेशन। तो ऐसा है, ऐसा हमने आज किया है, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके। और ये मेरा आउटलुक है आज, मैंने इस तरह से बैंगल्स हो गया मेरा, ये बैंगल्स भी देख लीजिए, ये मैंने सब नया पहना है। और ये बस, तो ये मेरा आज का आउटफिट है। और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा गणपति पसंद आया होगा। हम विदाउट कलर का लेते हैं, ओके। अब देख लीजिए कैसे कलर नहीं होता है, क्लीन जो होता है, सिर्फ मिट्टी के बने हुए गणपति को हम मिट्टी से तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम कलर यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। जैसे ही हमारे घर में जो होता है नियम है कि घर में ही बनाना चाहिए, तो अब हमें आता नहीं है, और कुछ गलत हो जाए तो फूल छूक, तो इसलिए हम लोग बाहर से ख़रीद लेते हैं। आगे हमारे घर पे ही बनता था, जब मेरी नानी, नाना ये सब थे, तब हमारे घर पर ही जिस दिन गणपति पूजा होता था उसी दिन हम गणपति मूर्ति बनाते थे, नहाकर, शुद्ध होकर। तो ये सारे हो गए मेरे डेकोरेशंस। और एक बार देख लीजिए, हाथ में बांधने के लिए धागा, ये तो होना ही चाहिए। और देख लीजिए सब कुछ। तो ये मेरा गणपति है, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर तो करना ही है आपको।